अचानक क्या हुआ है कि रूही अपने पापा को लेके गई थी, उसकी पहली वाली मम्मी, शगुन मम्मी, कितनी मम्मियाँ हैं उसकी, माय गॉड. और उसकी पहली वाली मम्मी ने ना अचानक बोल दिया था रमन से कि तुम्हारी वो बहन जी ही तुम्हारे लिए ठीक है. सो रूही गॉट ऑफेंडेड कि मेरी इशिमा को बहन जी बोला. देन उसे पता किया कि बहन जी मतलब क्या होता है, एंड शी केम टू नो कि मतलब जो साड़ी पहन के रहता है वो बहन जी है. सो स्पेशली अपने पापा को पकड़ कर ले गए कि पापा चलो आपको इशिमा के लिए ड्रेस लेना है. चलो दो ड्रेसेस लेकर आए, एक रूही के पसंद का और मेरी पसंद के साइज़ वाला विच इज़ एस स्मॉल साइज, एंड एक रमन की पसंद की ड्रेस विच इज़ अ मीडियम साइज, क्योंकि उसके हिसाब से मैं बहुत मोटी हूँ, विच आई एम नॉट. Whatever. So I get this dress and मैं बड़े प्यार से उसमें रेडी हुई हूँ सिर्फ रूही के खाते. आई थिंक जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता है ना लुक का, वो उतना इन्जॉय नहीं करता जितना कि दूसरे करते हैं. क्योंकि इट टेक्स सो मैनी एफर्ट्स कि आप पहले हमेशा से इंडियन रहे हो, अचानक आप वेस्टर्न ड्रेस पहनो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. योर एंटायर लुक चेंजेस, आपके बाल चेंज हो जाते हैं, आपका चलने फिरने का तरीका भी चेंज होता है. सो करने वाले के लिए उतना एन्जॉयमेंट नहीं है, लेकिन देखने वालों के लिए तो हाँ बड़ा एन्जॉयमेंट है. दिल से टोटल देसी हूँ, बट या ट्रांसफॉर्मेशन तो है और थोड़ा सा ऑकवर्डनेस भी है बिकॉज आई एम नॉट यूज टू दिस लुक. इशिता इज़ लाइक जस्ट नॉट यूज टू इट, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेस यू फील कर रही है और शायद बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मतलब ये शादीशुदा औरत, मतलब एक बच्चे की मम्मी है अभी रूही की, एंड व्हाट इज शी वेयरिंग फॉर गॉड सेक. रमन का रिएक्शन सीरियसली यू वांट टू नो, ही बी लाइक पेट थोड़े यहाँ से ज़्यादा लग रहा है, आर्म्स थोड़े कम करो, कल से डाइटिंग चालू कर लो, रूही कल से इशिमा को खाना मत खिलाना, दिस विल बी हिज रिएक्शन, नथिंग मोर देन दैट. आमतौर पर औरतें वो गाना गाती है ना, सजना है मुझे सजना के लिए, लेकिन यहाँ पे किस्सा अलग है. यहाँ लिटरली मेरे जो बहनोई हैं वो मुझे देख रहे हैं सजते हुए संवरते हुए, तो इट्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन. और जिसके लिए मैं एक्चुअली सजी हूँ उसको तो पता भी नहीं है, वो तो देखेगा भी नहीं मुझे, फिर क्या फ़ायदा बोलूँ. मैं नहीं चाहती कि वो घुटने पे बैठे, मतलब ज़मीन पे लेट भी सकते हैं, इट्स एन ओपन फोरम. सी द पॉइंट आई एम अ गर्ल, आई डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, एंड आई एम अ फेमिनिस्ट. समझ नहीं है आप सब औरतें, हाँ ऐसा नहीं है, हमें कोई भी है ना ऐसी ग्रांटेड में नहीं ले सकता है. तो अगर हमसे शादी वादी करनी है, प्रपोज करना है, तो प्रॉपरली करें, ऐसे नहीं कि बोल दिया कहीं न्यूज़पेपर में है, व्हाट मेरे साथ ये नहीं चलेगा.